हेलो दोस्तों, BSTC एग्जाम 2021 का पूरा पेपर है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। किस शैली में कागजी चित्र अधिक होने के कारण कागजी चित्र शैली कहा जाता है? तो यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप में से सही आंसर है उसको करना है। तो चलिए दोस्तों, किशनगढ़ शैली, अलवर शैली, बीकानेर शैली, कोटा शैली। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा वो एक बार आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके चलिए, और साथ ही साथ आप हमारे साथ आंसर लेते हुए चलिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा किशनगढ़ शैली। कौन सी शैली दोस्तों? किशनगढ़ शैली। बाड़मेर के प्रसिद्ध मलिर प्रिंट कौन से रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों बाड़मेर के प्रसिद्ध मलिर प्रिंट में कत्थई और काला रंग का प्रयोग किया जाता है। कौन से रंग का? कत्थई और काले रंग का। तीसरा सवाल है, मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई है? तो दोस्तों मीनाकारी की कला है वो मान सिंह जी के द्वारा लाई गई है। दोस्तों हमारे पास समय का अभाव है इसलिए हम डायरेक्टली आप लोगों के बीच में क्वेश्चन ऑप्शन प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि अंतिम 10 मिनट में भी अगर आप लोग ये पेपर देख रहे हो तो आपका परीक्षा के अंदर बेड़ा पार होने वाला है। आपको यहाँ पर अगला सवाल है, चित्तौड़ के दूसरे शाक्य के समय वहाँ का शासक कौन था? तो दोस्तों दूसरे शाक्य के समय वहाँ का शासक था वो विक्रमादित्य था। कौन था दोस्तों? विक्रमादित्य। अगला सवाल है, चित्तौड़ के दूसरे शाक्य के समय जिस रानी के ने जोर का नेतृत्व किया था वह कौन था? तो दोस्तों करमवती ने वहाँ की रानियों के लिए जोर का आह्वान किया था कि रानियाँ अब जोर कर लेना चाहिए। तो दोस्तों कौन थी? करमवती। अगला सवाल है, वेहल मछली की आकृति कौन सा किला है? यानी आपको मछली के आकार का कौन सा किला दिखाई देता है? यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है चार। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा चित्तौड़ का किला। कौन सा किला दोस्तों? चित्तौड़ का किला। सातवां सवाल है, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? तो दोस्तों मेहरानगढ़, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़। तो दोस्तों यहाँ पर लिविंग फोर्ट है वो चित्तौड़गढ़ है। कौन सा दोस्तों? चित्तौड़गढ़ है। दोस्तों मैं पेपर आप लोगों के लिए जल्दी सॉल्व करवा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप परीक्षा के अंतिम समय में भी देख रहे होंगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी मदद साबित होने वाली है। बिल्लो के प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? गवई, स्वांग, तमाशा, रम्मत। तो दोस्तों बिल्लो के लिए प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो गौरी है। कौन सा है दोस्तों? गौरी। यहाँ पर अगला सवाल है, गोपजी भट्ट राजस्थान के किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? तो दोस्तों गोपजी भट्ट है वो तमाशा लोक शैली के नृत्य है। कौन सी शैली दोस्तों? तमाशा लोक शैली के नृत्य हैं। अगला सवाल है, आप यहाँ पर देख सकते हो, कजली किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? यहाँ पर आपको बताना है जो कजली है वो कौन से डांस में एक्सपर्ट है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता होगा कि कजली है वो भवई नृत्य में एक्सपर्ट है। कौन सा नृत्य? भवई नृत्य। अगला है, चरकुला नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो दोस्तों चरकुला नृत्य है वो चरी को सिर के ऊपर रखकर किया जाने वाला है, ये विशेषकर मेवात के क्षेत्र में किया जाता है। कौन सा क्षेत्र? तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मेवात के क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य। संत पीपा जी का जन्म कहाँ पर हुआ? तो दोस्तों संत पीपा जी का जन्म है वो गागरौन झालावाड़ के अंदर हुआ। फिर से मैं बोल रहा हूँ, संत पीपा का जन्म है वो गागरौन जो कि झालावाड़ के अंदर स्थित है वहाँ पर हुआ था। तेरहवा सवाल ध्यान से देख लेना, राजस्थान में आधुनिक चित्रकला के जनक कौन माने जाते हैं? मास्टर कुंदनलाल मिस्त्री, राजा रवि वर्मा, देवीकांत शर्मा, किरण सोनी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पहला। दोस्तों ये क्वेश्चन है वो 2019 के अंदर पूछा गया है, तो इस बार भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बनता है। मेवाजी मांगड़िया के घोड़े का क्या नाम है? तो दोस्तों पंचपीर के अंदर मेहाजी मांगड़िया जी का नाम लिया जाता है। गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, इन पांचों पीरों में से यहाँ पर मियाजी मांगड़िया जी का घोड़ा है वो कीवड़ काबड़ है। कौन सा है दोस्तों? कीवड़ काबड़। अगला है, बालकनाथ के रूप में किसे हिमालय में पूजा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर बालकनाथ के रूप में हिमालय में केसरिया कंवर जी, बग्गा जी, रूपनाथ जी, हड़बू जी। तो मैंने आपको कई बार बताया था कि बालकनाथ जी के रूप में यहाँ पर रूपनाथ जी को पूजा जाता है। कौन से नाथ जी को? रूपनाथ जी को पूजा जाता है बच्चों। 16 सवाल है, मेवाड़ का खजुराहो कौन से मंदिर में स्थित है? तो दोस्तों मेवाड़ का खजुराहो है वो अंबिका माता जी का मंदिर स्थित है। कौन सा मंदिर? अंबिका माता जी का मंदिर है। 17वां सवाल ध्यान से देख लेना, हिंडोला महोत्सव किस जगह मनाया जाता है?
तो दोस्तों चार ऑप्शन है, कोलायत बीकानेर के अंदर, अलवर के अंदर, माउंट आबू सिरोही के अंदर, पुष्कर अजमेर के अंदर है। तो यहाँ पर आपको बताना हिंडोला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो दोस्तों हिंडोला महोत्सव है वो पुष्कर अजमेर के अंदर मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों? पुष्कर अजमेर के अंदर मनाया जाता है। अगला सवाल है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की उर्स किस जिले में मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको पता है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो दोस्तों दरगाह तो अजमेर के अंदर है, तो उनका उर्स भी कहाँ मनाया जाएगा? स्वाभाविक सी बात है, जहाँ पर दरगाह है वहीं पे उनका उर्स भी मनाया जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अजमेर। कौन सा आंसर होगा? अजमेर। फाल्गुन में शिवरात्रि का बड़ा आयोजन स्तर पर सिवाड़ में हो राजस्थान के किस जिले में है? तो दोस्तों यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन क्लियर हुए। सबसे पहला क्वेश्चन ये क्लियर हुआ कि फाल्गुन में शिवरात्रि का सबसे बड़ा आयोजन है वो कहाँ पर किया जाता है? तो दोस्तों वो किया जाता है सिवाड़ के अंदर। अब अगला सवाल ये है, सिवाड़ के किस जिले में है? तो दोस्तों सिवाड़ के किस जिले में, एक बार तो दोस्तों इसका आंसर है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लो। मुझे पता आपको समझ में नहीं आया, तो मैं आपको बता देता हूँ इसका राइट आंसर कोटा होगा। कौन सा कोटा होगा? तो दोस्तों कोटा होगा। यहाँ पर है राजस्थान को राजपूताना नाम किसने दिया? जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टॉड, पटेल, जमर पीटर। तो दोस्तों राजस्थान को राजपूताना नाम कर्नल जेम्स टोड ने दिया। कौन से टोड ने दिया? तो दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने दिया। अगला सवाल आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, हाजिर है आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। निम्न में से कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है? तो दोस्तों आपको पता भरतपुर है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है, बारा की भी लगती है, करौली की लगती है, लेकिन बूंदी है वो आपके सिरोही के पास आ गया। किसके पास आ गया दोस्तों? सिरोही के पास आ गया। तो बूंदी के साथ ऐसी कोई सीमा नहीं लगती। अगला सवाल ध्यान से देख लेना, 22वां सवाल है, अरावली पर्वत श्रृंखला किसकी अवशेष हैं? गोंडवाना लैंड, हिमालय, अंगारा लैंड, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अरावली पर्वतमाला है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इसको लेकर मैंने आपको प्रगति की 6 प्लेटों का वितरण भी समझाया था। तो दोस्तों बढ़ते 23वें सवाल की तरफ, राजस्थान के किस जिले की अधिकतम सीमाएं 8 राज्यों से स्पर्श करती हैं? तो दोस्तों यहाँ पर 8 नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ 8 राज्यों से स्पर्श करती है, वह है राजस्थान का पाली। कौन सा शहर है दोस्तों? वो राजस्थान का पाली है, और पाली की सीमाएं 8 राज्यों से स्पर्श करती है। निम्न में से कौन सा असंतुलित नहीं है, यानी असुमेलित नहीं है? बाकी सब तो सुमेलित है, यहाँ पर आपको देखना असुमेलित नहीं है। माई नदी है वो जाखम के अंदर बहती है, बिल्कुल माई नदी की सहायक नदी जाखम है, मैं मानता हूँ। लूणी नदी की सहायक नदी सूखड़ी नदी है, बिल्कुल सही है। बनास नदी की सहायक नदी मेज है, नहीं हो ही नहीं सकता सर, बनास नदी की तो सहायक नदी कोई दूसरी नदी है। तो यहाँ पर चंबल नदी की सहायक नदी पार्वती है, बिल्कुल सर हो सकता है। 2011 में राजस्थान के किन जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व था? कौन सा जिला जनसंख्या घनत्व वहाँ पर ज़्यादा होगा जहाँ पर सुख सुविधा ज़्यादा होगी? और हमारे राजस्थान में सुख सुविधा दो ही जगह ज़्यादा है, एक तो अपना जयपुर है, दूसरा अपना भरतपुर है।